हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने भी फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से कैनन के PG47 ब्लैक और CL57 कलर कैटरीज को रिफिल करोगे, यानी कि मैन्युअली आप किस तरह से इन दोनों कैटरीजेस को रिफिल कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों कैटरीजेस को यूज करके एक कलर और एक ब्लैक प्रिंट देंगे और आउटपुट क्या आता है वो हम चेक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों कैटरीजेस को मैं सबसे पहले मार्क कर लेता हूँ ताकि हम इन्हीं कैटरीजेस को रिफिल करें और रिफिल करने के बाद क्या आउटपुट आता है वो भी हम चेक करें। तो ये हो गया और ये भी मैंने इन दोनों कैटरीजेस को मार्क कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, एक मिनट गाइस, तो इन दोनों कैटरीजेस को प्रिंटर में डालते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो कलर कैटरीज है वो मैं डाल देता हूं और जो ब्लैक कैटरीज है वो भी हम डाल देते हैं और प्रिंटर को मैं ऑन कर लेता हूं। मेरे पास कुछ A4 साइज पेपर्स है तो इसे हम इनपुट ट्रे में डालते हैं और आउटपुट ट्रे को मैं बाहर निकाल देता हूँ। मेरे पास एक इस तरह का लीफलेट है, इसे हम प्रिंट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ ताकि आपको आउटपुट अच्छे से दिखा पाऊँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कलर प्रिंट क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या निकलता है। क्योंकि पहला प्रिंट है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे आप देख सकते हो प्रिंटिंग शुरू हो चुका है। तो जैसा आप देख सकते हो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि जो कलर कैटरिज है वो खत्म हो चुका है, यानी कैटरिज के अंदर कलर खत्म हो गया है। सिमिलरली एक ब्लैक प्रिंट भी हम देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ब्लैक प्रिंट भी हमारा कुछ नहीं निकला, पूरा ब्लैंक पेपर निकला। इसका मतलब यह है कि जो ब्लैक कैटरीज है उसका ब्लैक कलर भी खत्म हो चुका है। अब हम उन दोनों कैटरीजेस को रिफिल करेंगे और रिफिल के बाद फिर से प्रिंट करके देखेंगे कि रिफिल हमारा सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले जो ब्लैक कैटरीज है उसे हम रिफिल करते हैं। तो मैं कलर कैटरीज को साइड में रख लेता हूँ। तो ब्लैक कैटरीज को रिफिल करने के लिए ये ऊपर जो आपका स्टिकर लगा हुआ है इसे पहले आपको निकालना होगा। तो चलिए इसे हम निकाल देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये निकल चुका है। एक चीज बता दूं, जब भी आप कैटरीज को पकड़ते हो तो ये जो सामने वाला कॉपर प्रोसेसर का भाग है इसे बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा। अगर इससे कुछ हो जाता है तो आपका कैटरीज खराब हो जाएगा और प्रिंटर में रिकॉग्नाइज नहीं होगा। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो बीच वाला एक छोटा सा डॉट दिख रहा है उसी के अंदर आपको इंक भरना है। लेकिन उससे पहले आप इस डॉट को, यानी ये जो छोटा सा होल है इसे आप बड़ा कर लीजिए। तो बड़ा करने के लिए आप इस तरह के एक ड्रिलर का यूज कर सकते हो। एक चीज बता दूं, ये जो आप देख रहे हो इसका जो कवर है ये बहुत ही मोटा रहता है, इसलिए आप डायरेक्टली इसे यहाँ पर रखकर इस तरह से ड्रिल नहीं कर सकते हो। आप क्या कीजिएगा, कैंडल लीजिए, कैंडल में अपने ड्रिलर को अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए पहले, उसके बाद आप इसे बहुत इजीली ड्रिल कर सकते हो। तो चलिए अब हम हमारे जो ड्रिलर है उसे थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये लगभग ड्रिलर गर्म हो चुका है। अब मैं इसे साइड में रख लेता हूँ। अपने कैटरीज को हाथों में लीजिए और ये जो बीच वाला डॉट आप देख रहे हो उसके ऊपर इसे यहाँ पर रखकर इस तरह से घुमाइए। ज़्यादा अंदर तक आप इसे प्रेस मत कीजिए, बस हल्का सा ऊपर से होल हो जाना चाहिए जैसे आप देख सकते हो। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर होल हो चुका है, बाकी थोड़ा सा इसे इस तरह से साफ कर लीजिएगा। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर अंदर आपको अभी स्पंज दिखाई दे रहा होगा और वहाँ पर आपको एक छोटा सा ब्लैक कलर का डॉट दिखाई दे रहा होगा, वो एक्चुअल में ब्लैक इंक था, तो उसका जो थोड़ा सा रेसिड्यू है वो वहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसे ब्लैक इंक से रिफिल करते हैं।
तो चलिए अब हम इसे रिफिल करते हैं। तो रिफिलिंग के लिए मैं जो इंक यूज़ कर रहा हूँ वो है HP GT51 ब्लैक इंक और HP GT52 येलो, सियान और मजेंटा। तो ये जितने भी इंक्स आप देख रहे हो ये सारे ओरिजिनल इंक्स हैं। कैनन का ओरिजिनल इंक अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं HP का ओरिजिनल इंक यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर चाहो तो कोई भी अच्छा सा सब्स्टिट्यूट इंक भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने पहले से ही सीरिंज में ब्लैक इंक भर लिया है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप सीरिंज में इंक भर रहे हो उसे कैटरेज में डालने से पहले उसके अंदर जो एयर है सीरिंज के अंदर उसे आप बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप गलती से एयर भी पंप कर देते हो कैटरेजेस में तो बहुत चांस है आपका नीचे वाला जो आउटपुट का भाग है वो आपका ब्लॉक हो जाए। इसीलिए सीरिंज में से पहले एयर निकाल दीजिएगा। तो उसके बाद आप क्या कीजिए, सीरिंज को इस तरह से सीधा ही रखकर अंदर डालिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पूरा अंदर तक सीरिंज को डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगभग 70% डालकर छोड़ दीजिए। अगर आप पूरा डालोगे तो अंदर का जो मेम्ब्रेन है वो आपका फट जाएगा और आपका कंटिन्यूस लीकेज होता रहेगा। तो अब हम इसे पुश करते हैं। तो इंक मैंने 2 ml लिया है, तो चलिए अब हम पुश करते हैं। जब तक ये थोड़ा सा ओवरफ्लो ना हो जाए हम इसे पुश करेंगे, और एल्स अगर 2 ml पूरा का पूरा चला जाता है तो उसके बाद हम बंद कर लेंगे। तो अगर आप पास से देखो तो आप देख सकते हो अंदर हमारा इंक जो है वो भरने लगा है। अब मैं क्या करता हूँ, इतने में रख देता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो अंदर आपका थोड़ा सा ओवरफ्लो हो गया, यानी स्पंज के ऊपर आ गया। अब आप क्या कीजिएगा, कैटरीजेस को यानी ब्लैक कैटरीज को एक जगह पर 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ताकि जो भी एक्सेस इंक अंदर गया होगा वो नीचे से आपका ऑटोमेटिकली लीक हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, जो कलर कैटरीज है उसे भी हम भर लेते हैं। तो अभी जो कलर कैटरीज है उसका भी जो ऊपर वाला स्टिकर है उसे आप निकाल दीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो ये निकल चुका है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर छोटे छोटे 3 होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो 3 डिफरेंट कलर्स के लिए, इसे आप अभी बड़ा कर लीजिए। सिमिलरली आप क्या कीजिएगा, एक कैंडल लीजिए या कोई सा भी चीज़ लीजिए, ड्रिलर को थोड़ा सा गर्म कीजिए, गर्म करने के बाद ये जो होल्स है उसे आप बड़ा कर लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आपने ब्लैक कैटरीज में किया था। तो जैसा आप देख सकते हो ये लगभग गर्म हो चुका है, मैं इसे साइड में रख लेता हूँ। अब आप लीजिए सबसे पहले ऊपर वाला जो होल है उसे हम बड़ा करते हैं। आप इसे यहाँ पर इस तरह से रखिए और इस तरह से रोटेट कीजिए, ज़्यादा अंदर तक बिल्कुल मत डालिएगा नहीं तो स्पंज आपका जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हो ये हो चुका है। सिमिलरली जो बाकी के जो 2 नीचे वाले होल्स हैं उसे भी आप बड़ा कर लीजिए। तो जैसा आप अभी देख सकते हो जो होल्स हैं वो बड़ा हो चुका है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से होल में कौन सा कलर आपको डालना है। तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा लाइट के पास इसे रखिए, तब आपको पता चल जाएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो लेफ्ट साइड वाला जो नीचे वाला होल है उसके अंदर आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इसमें आप सियान कलर भरोगे। ऊपर वाले को अगर आप ध्यान से देखो तो अंदर आपको मजेंटा कलर यानी कि रेड कलर दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको मजेंटा भरना है। सिमिलरली अगर आप राइट साइड वाले होल को देखो तो यहाँ पर आपको येलो कलर दिखाई देगा, यानी आपको इसमें येलो इंक भरना है। तो सियान, उसके बाद ऊपर में मजेंटा और यहाँ पर येल्लो, तो इसी सीक्वेंस में आपको कलर भरना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सियान कलर है उसे भर लेते हैं। तो सियान सीरिंज मैंने भर लिया है पहले से, आप क्या कीजिएगा इसे इस तरह से रखकर अंदर डालिए, 70% उससे ज़्यादा नहीं, और इसे पुश कीजिए। तब तक पुश कीजिए जब तक आपका थोड़ा सा ओवरफ्लो ना हो जाए अंदर। अगर आप देखो कलर, तो जैसा आप देख सकते हो अंदर का स्पंज जो है वो लगभग भर चुका है। हम इतने में बंद कर देते हैं। तो ये आपका सियान कलर हो गया। सिमिलरली जो मजेंटा कलर है वो भी मैंने सीरीज में भर लिया है, उसे अभी हम भरते हैं। ऊपर वाले होल में आप मजेंटा को इस तरह से प्रेस कीजिए, 70% डालिए और इसे अंदर भर लीजिए। इसे भी हम लगभग इतना ही भरते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ml इंक हम भर रहे हैं। उसके बाद आप जो येलो कलर है अगर आप यहाँ पर देखो तो दिखाई दे रहा होगा, इसे भी अंदर डालिए, 70% तक अंदर डाल दीजिए और इसे भर लीजिए। इसे भी तब तक भरिए जब तक थोड़ा सा ओवरफ्लो ना हो जाए। तो जैसा आप देख सकते हो ये तीनों के तीनों जो कलर्स हैं वो लगभग भर चुके हैं। अब आप इसे भी ब्लैक कैटरीज जैसे हमने रखा था 5 या 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए दोनों कैटरीजेस को। उसके बाद का स्टेप मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स हो चुका है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, कैटरीजेस को इस तरह से थोड़ा कीजिए
और देखिए कुछ इंक निकल रह गया, कुछ भी इंक नहीं निकल रहा है। इसका मतलब यह है कि हमने जितना भी इंक भरा था वो सफिशियंट इंक था और वो अच्छी तरीके से आपका स्पंज में एब्जॉर्ब हो गया। अब इसके बाद एक और स्टेप है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो, पहली बार अगर आप रिफिल कर रहे हो, तो हो सकता है कुछ गलतियाँ हो जाए, जैसे आपका एयर अगर अंदर चला गया, या फिर सीरिंज अगर आपने सीधा ना डाल के लेफ्ट या राइट या फिर ऐसा कुछ कर दिया, तो उससे क्या है, आपका जो नीचे वाला भाग है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो उसे अनब्लॉक करने के लिए या फिर एयर को बाहर निकालने के लिए आप सक्शन टूल का यूज़ कर सकते हो। तो सक्शन टूल आपका कुछ इस तरह का रहता है, इसके साथ आपको इस तरह के दो रबर पैडिंग्स मिलते हैं। तो ये दोनों रबर पैडिंग्स दो कैटरेजेस के लिए है। अगर आप ब्लैक कैटरिज को देखो, तो नीचे वाला जो इसका आउटपुट है, जो आउटलेट है, वो थोड़ा सा लंबा है, तो आपको इस वाले रबर पैडिंग को यूज़ करना होगा। सिमिलरली अगर आप कलर कैटरिज को देखो, तो नीचे वाला इसका जो आउटपुट है वो थोड़ा सा छोटा और मोटा है, इसलिए आपको छोटा रबर पैडिंग यूज़ करना होगा। तो इसे कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप अपना जो सक्शन टूल है उसे लीजिए, ये एल शेप का इस तरह से रहेगा, ये जो आप देख रहे हो रबर पैडिंग है, इसे आप यहाँ पर इस तरह से रखकर बंद कर दीजिए। अपने कलर कैटरिज को लीजिए, कलर कैटरिज को यहाँ पर इस तरह से प्रेस कीजिए, क्योंकि ये जो सक्शन टूल आप देख रहे हो ये एक ही कंपनी के लिए आता है, इसलिए कैनन का जो कैटरिज है उसे आपको इस तरह से थोड़ा सा टाइटली यहाँ पर पकड़ना होगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, एक सीरिंज लीजिए, 10 ml का सीरिंज, ये थोड़ा सा मोटा सीरिंज आपको चाहिए, और इसके अंदर इस तरह से डाल दीजिए। फिर आप क्या कीजिएगा, इसे अच्छी तरीके से पकड़िए, बिल्कुल भी लूज़ मत कीजिएगा, और इसे इस तरह से ड्रॉ कीजिए। तो क्या है, जो एक्सेस इंक होगा वो आपका निकल जाएगा, उसके साथ जो एयर बबल्स है जैसा आप देख सकते हो वो भी आपका निकल जाएंगे। तो इससे क्या है, आपका कैटरिज में कोई खराबी नहीं आएगी, यानी जब आप इसे प्रिंट करोगे तो कोई भी ब्लरनेस या फिर कोई हॉराइजेंटल वर्टिकल लाइंस वगैरह भी नहीं आएगा। तो जैसा आप देख सकते हो इतना लगभग एक्सेस इंक हमारा निकल गया, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो बबल्स भी आपका दिखाई दे रहा है, यानी थोड़ा बहुत एयर भी चला गया था तो वो भी आपका निकल गया। अब आप क्या कीजिए, इसे लीजिए और साइड में रख लीजिए। सिमिलरली जो कलर कैटरीज है उसमें भी ये प्रोसेस फॉलो कीजिए। अब ये जो इंक आपने निकालना है, इसे आप वापस, क्योंकि ब्लैक इंक है इसलिए आप ब्लैक जो इंक बोतल होगा उसमें डाल दीजिएगा। कलर में जो आप निकालोगे उसे आप और यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तीनों कलर एक ही साथ आपका निकल जाएगा। तो चलिए कलर में भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो कलर के लिए आप छोटा वाला जो मोटा वाला रबर पैडिंग है वो लीजिए, उसे यहाँ पर रखिए, कलर कैटरिज को इस तरह से रखिए, और ऊपर से अपने हाथों से इसे प्रेस कर लीजिए। सिमिलरली नीचे आप जो मोटा वाला सिरिंज है उसे डालिए, एक मिनट गाइस, तो इसे इस तरह से प्रेस करके रखिएगा ताकि वैक्यूम बन जाए अच्छी तरीके से, और उसके बाद इसे ड्रॉ कर लीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो इसमें इंक तो ज़्यादा नहीं निकला, लेकिन जो एयर बबल्स है वो निकल गया, यानी मैंने भी जब इंक थोड़ा सा भरा तो इसके अंदर एयर चला गया था। तो जैसा आप देख सकते हो एयर बबल्स कंप्लीटली निकल चुका है। तो अब इस इंक को आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तीनों इंक, तीनों कलर्स के इंक एक ही साथ आपका बाहर निकला है, तो इसे आप फेंक दीजिएगा और कोई यूज़ नहीं है। अब दोनों ही जो कैटरिजेस है उसमें हमने इंक रिफिल की कर लिया, और सक्शन टूल जो है उसे भी हमने यूज़ कर लिया। तो अभी आप इसे 10 या 15 मिनट्स के लिए और रख लीजिए, ताकि जो भी इंक हमारा निकला होगा वो अच्छी तरीके से सेटल हो जाए दोनों में। तो गाइज अभी जैसा आप देख सकते हो दोनों ही कैटरेजेस रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा इसे इस तरह से प्रेस कर लेते हैं, देखते हैं कुछ निकल रहा है क्या इंक। कुछ भी नहीं निकल रहा है, बस थोड़ा सा अगर आप देखो तो लीकेज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या कीजिएगा, वापस से जो स्टिकर है वो आप लगा दीजिए। अगर स्टिकर आपका फट गया या कुछ भी हुआ है, तो आप यहाँ पर नॉर्मल डक्ट टेप या फिर सेलो टेप चिपका दीजिए। तो इससे क्या है, और एयर आपका इसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये 57S रेडी हो चुका। सिमिलरली जो कलर है, सॉरी जो ब्लैक है, ब्लैक के ऊपर भी हम स्टिकर चिपका देते हैं। तो अब इन दोनों कैटरिजेस को प्रिंटर में हम डाल देते हैं। तो चलिए अब इन दोनों कैटरिजेस को अंदर डाल देते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपका कलर और राइट साइड में आपका ब्लैक कैटरिज जाएगा। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में कलर कैटरिज और राइट साइड में ब्लैक कैटरिज हो गया। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी कुछ प्रिंट्स देते हैं और देख लेते हैं कि जो रिफिलिंग हमने किया है वो सही से हुआ है या नहीं। सबसे पहले मैं प्रिंटर को ऑन कर लेता हूं। कुछ
कुछ A4 साइज पेपर से मेरे पास, इसे हम इनपुट ट्रे में डाल देते हैं। और इस तरह के कुछ लीफलेट्स है मेरे पास, इसे ही हम स्कैन करेंगे, क्योंकि डिफरेंट कलर्स है तो हमको पता चल जाएगा कि रिफिलिंग सही से हुआ है या नहीं। तो स्कैनर को मैं ऊपर करता हूँ, 1, 2, 3 इस तरह से रख लेते हैं और इसे बंद करते हैं। मैं आउटपुट ट्रे जो है उसे बाहर निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले एक कलर प्रिंट देते हैं और देखते हैं कलर रिफिलिंग सही से हुआ है या नहीं। मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ ताकि आपका आउटपुट अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पर कोई भी लाइट्स हमारा ब्लिंक नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि कैटरेज भी बहुत अच्छे से प्रिंटर में रिकॉग्नाइज हो रहा है रिफिलिंग के बाद। क्योंकि पहला प्रिंट है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन अभी शुरू हो जाएगा। एक बार जब शुरू हो जाए उसके बाद जो दूसरे प्रिंट्स वो बहुत ही जल्दी से आपके निकल जाएंगे। तो जैसा आप देख सकते हो कलर प्रिंट बहुत ही अच्छी तरीके से निकल रहा है। एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी हम देंगे और देखेंगे। तो जैसा आप देख सकते हो ब्लैक प्रिंट भी शुरू हो चुका है। फिर से एक और कलर प्रिंट देते हैं और देखते हैं। फिर से एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट देते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं हमारे ओरिजिनल लीफलेट्स के साथ। तो सबसे पहले कलर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो दोनों का कलर बिल्कुल सेम है और बहुत अच्छी तरीके से प्रिंट निकला है। सिमिलरली बीच वाला अगर हम देखें तो बीच वाला भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिंट हुआ है, और तीसरा वाला अगर हम देखें तो तीसरा वाला भी बहुत अच्छी तरीके से हमारा प्रिंट हुआ है। ब्लैक एंड व्हाइट भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा ब्लरनेस आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है, मे बी इंक अच्छे से जो कैटरेज है उसमें सेटल नहीं हुआ होगा। थोड़े देर बाद अगर हम फिर से प्रिंट करेंगे तो वो भी सही निकलेगा, लेकिन ओवरऑल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी बहुत अच्छे से निकला है। तो गाइज आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके PG47 ब्लैक और CL57 कलर कैटरिजेस में कैनन के बहुत इजीली रिफिल कर सकते हो। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोज के साथ आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।